आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश नसीर। आज हम श्रीनगर घाटी से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के टिठवाल करना LOC पे मौजूद हैं। यहां पे एक ब्रिज है जिसको टिठवाल ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जिसको अमन का ब्रिज भी कहा जाता है। आज जैसा कि आपको मालूम है 14 अगस्त है। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इस साल 75वां यौम आज़ादी का दिन मना रहा है। इसी मौके पे आज भारत और पाकिस्तान की अफवाज के दौरान यहाँ पे स्वीट्स एक्सचेंज की गई एक दूसरे के बीच में। ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से ये भी पता चल रहा है कि कल 15 अगस्त को भी ये स्वीट्स एक्सचेंज की जाएंगी। हालांकि हमने यहाँ के लोगों से बात की, लोगों का यही कहना है कि जब से सीज फायर हुआ है तब से हम यहाँ पे राहत की सांस ले रहे हैं, भारत और पाकिस्तान की अफवाज के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। और आपको बताते जाएं, ये स्वीट एक्सचेंज यहाँ पे तीसरी बार हो रहा है। पहले तो ईद उल फितर पे हुआ था, ईद उल अजहा पे हुआ था, अभी ये 14 अगस्त पे हो रहा है, अभी कल 15 अगस्त पे भी ये होने जा रहा है। ये जो आज 14 अगस्त इन्होंने ये पाकिस्तान सामने ये मनाया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ ये पहले भी था और आज भी है, क्योंकि ये पहले से आज बेहतर है, क्योंकि ये जो मीडिया वाले इन्होंने भी अच्छा काम किया और ये जो फ़ौज कर रही है ये उससे भी अच्छा कर रही है, क्योंकि फ़ौज का काम ही यही है। क्योंकि हम लोगों को ये दोनों सरहदों को ये जो अभी पहले नफरत थी हमारे एक दूसरे के साथ, वो भी अभी कम होगी जब से हम लोग इधर इसके लायक हुए। अभी ये जो हमारा क्रॉसिंग ब्रिज या आना जाना हमारा हुआ, पाकिस्तान वीज़े पे जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, उसके बाद ये हमारी नफरत जो थी ये बहुत कम होगी। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान एक मुल्क है, ये इसको बांटना नहीं है, ये हम इसका शुक्रगुजार हैं। हम बोल रहे हैं कि और इससे भी उन्नति होनी चाहिए, आगे शांति होनी चाहिए। पहले जो फायरिंग हो रही थी, हम उस टाइम ऐसे बोल रहे थे कि कब हमारे ऊपर फायर आ जाएगा, कब मर जाएगा, हमारा जानी माली नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत यहाँ कैजुअल्टी भी बहुत हुए यहाँ इस इलाके करना के। मगर यह है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जो इस धरती पे हैं या इस क्रॉसिंग ब्रिज पे हैं, ये अभी आज की जो बॉर्डर पे चल रही है जो कार्रवाई, ये सबसे अच्छा है। हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट हिंदुस्तान गवर्नमेंट का और फौज का, ये जो हम लोगों को यहाँ बॉर्डर पे आए, इधर आके क्रॉसिंग ब्रिज पे जो हमें एक दूसरे से बातचीत की या मिठाई उन्होंने हमें दी, कल आज हमने उनको भी दी, उन्होंने हमें दी, कल हमारा भी ऐसे ही होगा 15 अगस्त। आज हम टिठवाल के मकाम पर क्रॉसिंग ब्रिज के ठीक सामने खड़े हैं। आज 14 अगस्त है और कल इंशाल्लाह हमारा 15 अगस्त होगा, जो कि यौम आज़ादी हिंदुस्तान के तौर पे मनाया जाता है। ये जो 15 अगस्त है ये हमारे ईद होली दिवाली सब त्योहारों से बेहतर मनाया जाता है, क्योंकि जब इंसान आज़ाद हो जाता है तो दूसरे त्यौहार भी इंसान खुशी से मनाता है। आज यहाँ पे आर्मी ने मिठाई का एक्सचेंज किया, पाकिस्तान वालों ने हमें दी, हमने उनको दी, तो अल्लाह करे ऐसा ही चलता रहे। हमारे ये जो बॉर्डर इलाके हैं इनमें अमन सुकून रहे, ये जो सीज़ फायर है ये इसी तरह रेगुलर चलता रहे, ताकि दोनों मुल्क तामीर और तरक्की कर सकें। चूँकि हालात ख़राब होने की वजह से, फायरिंग होने की वजह से कोई भी काम नहीं हो सकता है, ना
इंसान चैन और सुकून से जी सकता है। हम ये चाहते हैं कि दोनों मुल्क पुरानी रंजिशों को भुलाकर एक नया सिलसिला शुरू करें, ताकि ये जो हमारी नफ़रतें हैं इनको मिटाकर दोस्ती का भाईचारे का सिलसिला शुरू किया जाए, ताकि दोनों मुल्क तामीर तो तरक्की में आगे बढ़ सकें। तो मेरी अल्लाह से यही दुआ है। अगर हम बात करें 25 फरवरी के पहले की, हाँ, तो आज की कितना फ़र्क है यहाँ सरहदों पर? बहुत फ़र्क है। आज हम चैन सुकून से जी रहे हैं, आराम से घूम फिर रहे हैं। तो उससे पहले ये भरोसा नहीं होता कत्था कि कब फायर आ जाएगा और कब हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा जानी माली। हमारे पास यहाँ ऐसे बंदोबस्त नहीं है कि जिससे हम अपनी सेफ्टी कर सकें। आर्मी से ज़्यादा खतरात जो हैं वो सिविलियन को रहते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि अमन सुकून रहे, दोस्ती रहे, भाईचारा रहे, दोस्ती को भाईचारे को बढ़ाए, ताकि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान ये एक ही थे। अब दो भाइयों में अगर झगड़ा भी हो जाता है तो वो मामूली बात होती है, ये ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक सिलसिला चाहिए।